राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @ गरिमा मिश्रा व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज हमने बनाए हैं शाम टाइम दही आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ। और आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, तो बस यहाँ पर मैंने पापा के लिए थोड़ी सी दाल बनाई थी फ्राई करके। और ये 2 कप चाय मेरी शाम की है, शाम को मैंने बनाया था, बस उसी का क्लिप है। और ये मम्मी के खरबूजे हैं, और ये मम्मी के हैं, वो हमने अपने लिए रखे थे। और मम्मी के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना ढीले हैं। और प्लीज़ सॉरी गाइस, हमारे जो हेयर में ये क्लिप लगी है इसको इग्नोर करिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब बैक साइड के जो हेयर थे ना, तो वो थोड़े से छोटे हैं, तो वो ना बार बार गर्दन पे आ जाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर टक किया था। और मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने कौन सी क्लिप लगाई है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा कार्टून बन गई। और एक्चुअली आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी ओहो। और ना एक्चुअली क्या था ना कि एसी भी ऑन कर रहे थे, तो एसी जिस रूम में लगा हुआ है बस उसी रूम में ही था, बाकी जहाँ पर बाहर निकलते थे तो बहुत गर्मी लगती थी। और मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मेरे क्या सभी के साथ ऐसा होता होगा कि अगर आप एसी के रूम से बाहर निकलेंगे तो गर्म लगती है, और उसके बाद मेरे जो बॉडी है उस पर थोड़ा सा रिएक्शन सा हो जाता है, दाने वगैरह निकल आते हैं। तो मुझे बहुत रेयर है कि मैं बाहर, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दाने वगैरह का। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट मैंने दही के आलू लगा लिए हैं, मम्मी की रोटी में घी लगा रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर बस फटाफट मम्मी की खाना को सर्व करूँगी। सॉरी गाइस, प्लीज़ इग्नोर करिएगा आज की एक क्लिप जो बैक साइड एयर पे लगी है, मुझे खुद ख़राब लग रहा है। और आप बंद देख सकते हैं कितना हाई लगाया है मैंने, इतनी गर्मी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और आप देख सकते हैं मेरे हेयर पे लगभग 1 से 2 क्लिप लगी हुई है, मुझे खुद हंसी आ रही है। और बस तो आज का ये मेरा यही ब्लॉग था छोटा सा। और मैंने फिर शाम को थोड़ा सा जब खाना पीना हो चुका था, तो उसके बाद मैंने बॉटल्स वगैरह भरी थी, और मतलब दूध वगैरह मम्मी के देना था नाइट में, तो बस वो दूध वगैरह दिया। और उसके बाद फटाफट सारे किचन साफ़ करके और बस सोने के लिए जा चुकी थी मैं। तो बस यही था आज का हमारा रूटीन, और छोटा सा था। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा, ये देखिए मैं नाइटी डाल के आ गई और शीशियाँ बॉटल्स वगैरह भर रही हूँ। मैंने जो पुराना वाला दूध जो रखा था शाम वाला, तो उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसको भी फटाफट गर्म कर लिया क्योंकि मैं भूल गई थी। और इस समय गर्मियों के सीज़न में मुझे लगभग 4 से 5 बार दूध गर्म करना पड़ता है, इसलिए कि ख़राब ना हो जाए। फ्रिज में भी हम लोग रखते हैं ना, अचानक जैसे निकाल करके मैंने मतलब गैस पे रख दिया तो वो फट जाता है ठंडा गर्म पा करके। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जा चुकी है, और तो मैंने बस एक इमरजेंसी मैंने ऑन करके चालू कर लिया है। एक्चुअली इन्वर्टर का बैटरा ख़राब हो गया है, तो बस इसीलिए यहाँ पर इमरजेंसी ऑन करके रखी हुई है। और ये देखिए मैंने सेकंड वाला जो बताया ना आपसे दूध, बस वही मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये देखिए मैं चाय, छोटा सा पता नहीं कितनी गंदी आदत हो गई है कि शाम को जब तक चाय ना पीऊँ ना तब तक लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा 1 कप चाय बनाऊँगी फटाक से सिर्फ अपने लिए। और मम्मी को मैं दूध देकर आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैं गैस नहीं मतलब दूध नहीं रखती हूँ क्योंकि हमारा जो किचन है ना बहुत गर्म है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा किचन बंद टाइप बना हुआ है, तो बहुत गर्म लगती है इसमें।
और फैन जो लगा हुआ है ना किचन में, तो बस वो वहीं की हवा वहीं मतलब देता है, तो थोड़ा सा ना गरम गरम हवा भी लगती है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, ये मैं जा रही हूँ ऊपर, बाय-बाय भी कर लिया मैंने सबसे, और ये पता नहीं मैं क्या करने आ गई। तो बस यही था आज का हमारा व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार करिए। प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।